नेक्स्ट नाइन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बार बार समन को नजरअंदाज करने पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए दिल्ली की अदालत में नई शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि ईडी ने ये शिकायत शराब घोटाले मामले में दर्ज कराई है। ईडी अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी देते हुए बताया कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन नजरअंदाज करने पर शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी की शिकायत पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि जांच एजेंसी ने पहले अदालत में याचिका दाखिल कर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन को नजरअंदाज करने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में 16 मार्च को सुनवाई के लिए आदेश दिया था, लेकिन आठवां समन भी जब अरविंद केजरीवाल ने नजरअंदाज कर दिया तो ईडी एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आई, जिस पर अब थोड़ी ही देर में सुनवाई होनी है। जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल ने आठवें समन पर जवाब देते हुए ईडी से मांग की कि ईडी उनसे सवालों की पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करे, लेकिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल की इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में जा चुकी है। देखना होगा कि आज इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अहम फैसला आता है। क्या शराब घोटाले मामले में अब अरविंद केजरीवाल पर भी कोर्ट का कड़ा फैसला आता हुआ देखा जाएगा या नहीं, काफी अहम रहेगा ये देखना। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।